नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन में। और आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है दोस्तों थ्री वॉल मैनिफोल्ड के बारे में। तो जितने भी आपके डीपी टाइप ट्रांसमीटर होते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर होते हैं, उन सभी ट्रांसमीटर में आपको ये थ्री वॉल मैनिफोल्ड वॉल जरूर आपको देखने को मिलता होगा। तो इस टाइप के ट्रांसमीटर हमारे किस एप्लीकेशन में यूज होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, हमारे जो भी LT होते हैं, ठीक है, लेवल ट्रांसमीटर, वहाँ पर आपको ये थ्री वॉल मैनिफोल्ड देखने को मिलेगा। आपके जो फ्लो ट्रांसमीटर होते हैं, FT होते हैं, वहां पे भी आपको ये थ्री वॉल मैनिफोल्ड देखने को मिलेगा। और आप जहां भी आपको डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट करना है, DP क्रिएट करना है, वहां भी आपको ये वॉल जरूर देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी वॉल के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो आज के वीडियो में मैं तीन टॉपिक्स क्लियर करने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज थ्री वॉल मैनिफोल्ड क्या होता है। सेकंड में बताऊंगा कि ऑपरेशनल सीक्वेंस ऑफ थ्री वॉल मैनिफोल्ड ट्रांसमीटर इनटू सर्विस। थर्ड में बताऊंगा कि रिमूविंग ट्रांसमीटर फ्रॉम सर्विस, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्क तो कर लेते हैं लेकिन उनको अभी तक डाउट है कि हमारा ऑपरेशनल सीक्वेंस क्या होता है, थ्री वॉल मैनिफोल्ड को कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, क्या हमारा सही सीक्वेंस है, ठीक है, किसी भी ट्रांसमीटर को सर्विस में लेने का या किसी ट्रांसमीटर को सर्विस से आउट करने का, तो क्या सीक्वेंस है, मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज थ्री वॉल मैनिफोल्ड। तो जैसा कि आप ये फिगर में देख पा रहे हैं, ये आपका थ्री वॉल मैनिफोल्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई प्रोसेस चल रहा होगा, कोई लाइन होगा, यहाँ पे मान लीजिए आपको DP क्रिएट करना है, तो ये आपका एक HP लाइन हो गया, ये आपका LP लाइन हो गया। तो जो ये लाइन आती हैं हाई साइड से और या लो साइड से, तो इनको क्या बोलते हैं, HP पोर्ट, जो हाई प्रेशर पोर्ट हो गया, और ये LP पोर्ट, लो प्रेशर पोर्ट हो गया। तो हाई प्रेशर साइड का जो वॉल है वो आपका HP साइड का वॉल हो गया, और लो प्रेशर साइड का वॉल LP साइड का वॉल हो गया। और ये बीच में आपको जो एक वॉल दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वलाइजिंग वॉल। इक्वलाइजिंग वॉल मतलब इक्वल करना, ठीक है। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया दोस्तों। अ थ्री वॉल मैनिफोल्ड इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू इंश्योर दैट द कैप्सूल विल नॉट बी ओवर रेंज्ड। तो ये हमारा जो थ्री वॉल मैनिफोल्ड होता है, ये इंश्योर करता है कि जो हमारा ट्रांसमीटर का जो कैप्सूल होता है वो ओवर रेंज ना जाए इसकी वजह से, ठीक है। इट ऑल्सो अलाउ आइसोलेशन ऑफ द ट्रांसमीटर। आइसोलेशन भी हमको प्रोवाइड करता है हमारे ट्रांसमीटर को, जब हम ट्रांसमीटर को आउट करते हैं अपने प्रोसेस से, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू ब्लॉक्स वॉल, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, एंड ऑल्सो इक्वलाइजिंग वॉल। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसमें दो वॉल होते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर साइड वॉल होता है, और एक इक्वलाइजिंग वॉल होता है। तो चलिए और अच्छे से क्लियर करते हैं हम लोग। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि ऑपरेशनल सीक्वेंस ऑफ थ्री वॉल मैनिफोल्ड ट्रांसमीटर इनटू सर्विस। तो उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जब हमारा नॉर्मल ऑपरेशन में रहता है, जब हमारा ट्रांसमीटर सर्विस में रहता है, तो ये मैनिफोल्ड वॉल के कौन से वॉल ओपन होते हैं, कौन से वॉल क्लोज होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या कंडीशन होती है नॉर्मल ऑपरेशन में। तो नॉर्मल ऑपरेशन में हमारा जो इक्वलाइजिंग वॉल होता है ये आपका क्लोज होता है, और आपका HP और LP दोनों साइड के वॉल आपके ओपन रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको जब रिमूव करना है सर्विस से, या आपको सर्विस में लेना है, तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्या ऑपरेशनल सीक्वेंस होना चाहिए, क्योंकि हमको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी आपका वन साइडेड कभी भी हाई प्रेशर अप्लाई ना हो, नहीं तो आपका डीपी कैप्सूल जो है वो डैमेज होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। तो कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और उन स्टेप्स को आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए दोस्तों। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे हम लोग किसी ट्रांसमीटर को सर्विस में लेते हैं इस मैनिफोल्ड वॉल के द्वारा। तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपके सारे के सारे वॉल क्लोज होने चाहिए, ठीक है, चेक्स ऑल वॉल क्लोज्ड। देन उसके बाद आपको इक्वलाइजिंग वॉल को ओपन करना है, ये जो आपका बीच वाला वॉल है इसको आपको ओपन करना है। उसके बाद आप जब ये वॉल ओपन कर देंगे तो आपका जो अंदर का जो प्रेशर है ट्रांसमीटर में वो दोनों साइड बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है वो जीरो शो करेगा, ठीक है, क्योंकि DP जीरो रहेगा उस समय। देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका HP साइड का वॉल है उसको स्लोली ओपन करना है, इस वॉल को आपको स्लोली ओपन करना है। उसके बाद आपको लीकेज टेस्ट करना है
एसपी साइड में भी और एलपी साइड में भी, ठीक है, क्योंकि आपका वॉल ये क्लोजिंग वॉल तो ओपन है, तो जब भी आप यहाँ से एसपी साइड का वॉल ओपन करेंगे तो जो आपका प्रोसेस है वो यहाँ से होके और एलपी साइड में भी जाएगा और एसपी साइड में भी जाएगा। तो आपको यहाँ पे लीकेज टेस्ट कर लेना है कि कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वलाइजिंग वॉल को क्लोज कर देना है। तो जैसे ही आप इक्वलाइजिंग वॉल क्लोज करेंगे तो जो आप का प्रेशर हाई साइड से लो साइड में जा रहा था तो वो अभी यहाँ पे लॉक हो जाएगा एलपी साइड का प्रेशर, ठीक है। देन उसके बाद आपको लो प्रेशर साइड का वॉल ओपन करना है, और जैसे ही आप ये लो प्रेशर साइड का वॉल ओपन कर देंगे तो आपका एक डिफरेंशियल प्रेशर इस्टेब्लिश हो जाएगा, डीपी क्रिएट हो जाएगा ट्रांसमीटर में। तो अब आपका ट्रांसमीटर सर्विस में आ चुका है दोस्तों, और यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है, इट मे बी नेसेसरी टू ब्लीड एनी ट्रैप्ड एयर फ्रॉम द कैप्सूल हाउसिंग। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें एयर ट्रैप्ड हो जाता है जिसको आपको ब्लीड करना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पे एक छोटे छोटे स्क्रू दिए रहते हैं, आप यहां से एयर को ब्लीड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग रिमूविंग ट्रांसमीटर फ्रॉम सर्विस। तो कैसे हम लोग ट्रांसमीटर को रिमूव करते हैं सर्विस से, तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हम लोग अपने स्टेप्स की कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लो प्रेशर ब्लॉक वॉल को क्लोज करना है। ये आपका एलपी साइड हो गया, ये आपका एचपी साइड हो गया, और ये आपका इक्वलाइजिंग वॉल हो गया, ठीक है, ये आपका इक्वलाइजिंग वॉल हो गया। तो सबसे पहले आपको इस एलपी साइड के वॉल को क्लोज करना है। देन उसके बाद क्या करना है, आपको इक्वलाइजिंग वॉल को ओपन करना है, ठीक है, इस वॉल को अब आपको ओपन करना है। देन उसके बाद आपको हाई प्रेशर साइड वॉल को भी क्लोज कर देना है। तो अब आपका ये क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, तो जो आपका प्रेशर आ रहा था यहाँ से वो तो यहाँ पे कट हो गया, ठीक है। अब आपका ट्रांसमीटर आउट ऑफ सर्विस तो हो गया, बट उसके पहले आपको यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, ट्रांसमीटर कैप्सूल हाउसिंग स्टिल कंटेन्स प्रोसेस प्रेशर, दिस विल रिक्वायर ब्लीडिंग। तो दोस्तों जब भी आप यहाँ पे मान लीजिए ये वॉल तो आपने दोनों क्लोज कर दिए, बट जो पहले से जो प्रेशर था वो तो यहाँ पे लॉक हो रखा है ना, तो उस प्रेशर को आपको सबसे पहले ब्लीड कर देना है अपने ट्रांसमीटर को रिमूव करने के पहले। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।